हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में। आज हम देखेंगे कि हम कौन कौन से मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट को हाईली कंफर्ट देने के लिए, उसका टेंशन इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम किस किस तरीके कंफर्ट डिवाइसेस को उसको देते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन कंफर्ट। कंफर्ट इट इज़ द स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन, डिसकंफर्ट, टेंशन एंड एंग्जाइटी। कंफर्ट डिवाइसेस आर द आर्टिकल्स और डिवाइसेस प्रोवाइडेड टू पेशेंट फॉर ऑप्टिमल कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है पेशेंट की उस स्टेट में पेशेंट को रखना जहाँ पे वो डिसकंफर्ट, पेन, टेंशन से फ्री हो। ठीक है, और कंफर्ट डिवाइसेस का मतलब होता है उन आर्टिकल्स या डिवाइसेस का यूज़ करना जो पेशेंट को एक हाई लेवल का कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंफर्ट डिवाइसेस। ठीक, कंफर्ट डिवाइसेस का हमारा जो मेन पर्पस होता है अप्लाई करने का, वो पेन रिड्यूस करना, डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करना, स्लीप को इंड्यूस करना, टेंशन रिड्यूस करना, मसल टोन को मेंटेन रखना, स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, पेशेंट को बेड सोर्स से प्रिवेंट करना। ठीक है, पेशेंट को किसी इंजरी से प्रिवेंट करना। हम आगे देखते हैं टाइप्स। हमारा मेनली 15 तरीके के हम डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। पहला पिलोज, हमारा पहला पिलो हो गया। दूसरा बैक रेस्ट, बेड क्रेडल, कार्डियक टेबल, मैट्रेस, फुटबोर्ड, ट्रोकेंटर रोल, सैंड बैग, साइड रेल्स, वेज एबडक्टर पिलो, नी रेस्ट, एयर कुशन, हैंड रोल्स, रबर रिंग्स, स्प्लिंट्स, ब्रेसेस। ठीक है, अभी क्या करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पिलोज, अ फोम और कॉटन फील्ड इन अ कवर यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कम्फर्ट, ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट। पिलोज हमारी जो नॉर्मल पिलोज हम घर पर यूज़ करते हैं, उन पिलोज को पेशेंट को हम अप्लाई करते हैं पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं जो पेशेंट है उसको हमने इंट्यूबेशन और डिफरेंट मशीन अप्लाई की हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, इसलिए हम पिलो के ऊपर मशीन को रख देते हैं ताकि पेशेंट के ऊपर प्रेशर ना पड़े। और पेशेंट के हम दोनों हाथ को देख सकते हैं, वो पिलो के ऊपर रखे हुए हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसके आर्म्स को नॉर्मल पोजिशन में रखने के लिए हम पिलो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम एक पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगला है बैक रेस्ट। इट हेल्प टू सपोर्ट बैक ऑफ पेशेंट एंड मेंटेन सिटिंग पोजीशन। इट सपोर्ट आर्म्स एंड हेल्प टू रिलीव डिस्निया, ड्रेनेज ऑफ एब्डोमिनल। हम बैक रेस्ट जो होता है हमारा, ये एक जैसा पिक्चर में देखा, हमारा बैक रेस्ट होता है, इसको हम पेशेंट के बैक साइड पर अप्लाई करते हैं, पेशेंट इसके सपोर्ट लेके बैठता है। ठीक है, ये हमें पेशेंट को एक सिटिंग पोजीशन देता है। ठीक है, ये पेशेंट को मेनली डिस्निया कंडीशन में या एब्डोमिनल ड्रेनेज के लिए मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है बेड क्रेडल। इट इज़ द फ्रेम यूज टू होल्ड द बेड लिनन अवे फ्रॉम टचिंग द पेशेंट। इट मे बी मेड ऑफ वुड और बैम्बू, यूज इन बर्न पेशेंट्स मेनली। हमारा बेड क्रेडल क्या होता है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा ये एक फ्रेम होता है जो हम पेशेंट के ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर हम लिनन को अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट की स्किन और लिनन के बीच में कॉन्टैक्ट ना हो सके। ये मेनली हम बर्न पेशेंट में ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, क्योंकि बर्न पेशेंट की जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है। अगर स्किन और लिनन का कॉन्टैक्ट होगा तो स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन टियर आउट हो सकती है, इसलिए उस पेशेंट को कवर रखने के लिए हम बेड क्रेडल का मेनली यूज़ करते हैं वहाँ पे। अगला आएगा कार्डियक टेबल। टेबल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ बेड विद अ पिलो ऑन विच पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड रेस्ट एंड कम्फर्ट। कार्डियक टेबल, जैसे पिक्चर में हमें एक कार्डियक टेबल, ये हमारी टेबल होती है, हम इस पर एक पिलो को रख के पेशेंट को देते हैं। इसका सपोर्ट लेके पेशेंट फॉरवर्ड लीन करता है और पेशेंट को मेनली ये मील्स के लिए यूज़ करते हैं। पेशेंट को अस्थमा पेशेंट्स को सिटिंग पोजीशन में सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट अस्थमा एस्थमेटिक है तो वो वीक फील करेगा, तो वो बैठ नहीं सकता ना, तो पेशेंट इस टेबल के थ्रू एक सिटिंग पोजीशन अज्यूम करता है। अगला मैट्रेसेस। मैट्रेसेस फिल्ड विद एयर कॉल्ड एयर मैट्रेसेस एंड मैट्रेसेस फिल्ड विद वाटर कॉल्ड वाटर मैट्रेसेस, यूज इन ओबेज एंड थिन पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर। हम नॉर्मली जो घर में मैट्रेसेस होती हैं वही मैट्रेसेस, लेकिन अगर उन मैट्रेसेस में अगर एयर सिर्फ फील्ड है तो उन्हें एयर मैट्रेस, अगर उन मैट्रेसेस के अंदर वाटर फील्ड है उन्हें बोलते हैं वाटर मैट्रेसेस। जो पहले पीछे ब्लू कलर का कवर है वो हमारा वाटर मैट्रेस है, जो हमारा क्रीम कलर का स्किन कलर का दिख रहा है वो हमारा एयर मैट्रेस है। ठीक है, ये हम पेशेंट उन पेशेंट में ओबेज पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं या जो थिन पेशेंट होते हैं उनमें अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें बेड सोर ना हो, क्योंकि इस पर जब पेशेंट को हम पेशेंट लाई डाउन होता है तो उनका जो बॉडी प्रेशर होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगला है फुटबोर्ड। डिवाइस प्लेस टुवर्ड द फुट ऑफ पेशेंट बेड टू सर्व एज सपोर्ट टू फीट ऑफ पेशेंट।
मेड ऑफ वुड प्लास्टिक हैवी कैनवस। फुट बोर्ड क्या होता है, ये हमारा एक बोर्ड होता है जो पेशेंट के फीट के साइड पे अप्लाई करते हैं, जो कि पेशेंट के जो फुट होते हैं, जो पैर होते हैं, उनको सीधे स्ट्रेट मेंटेन करता है। ये हमारा प्लास्टिक वुड या हैवी कैनवस का बना होता है, ठीक है। ये हमारा मेनली फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। हम पेशेंट में देख सकते हैं, पेशेंट के पैर के साइड पे लगा देते हैं, इससे पेशेंट का जो पैर है वो स्ट्रेट है, ठीक है। अगला है ट्रोकेंटर रोल। अ कॉटन बाथ ब्लैंकेट और शीट इज फोल्डेड लेंथ वाइज टू विड्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम रेटोटंगेंडर ऑफ फीमर टू लोअर बॉर्डर ऑफ पोपलिटियल फोसा, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग्स। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हम पिलो को पहले पेशेंट के बैक के नीचे प्लेस करते हैं, उसका उसको हम रोल करके दोनों साइड से पेशेंट के लेग्स के साइड में रख देते हैं। ये हमारे पेशेंट की जो लेग्स हैं उनको, मतलब उनका पैक, उनके लेग्स का बाहर साइड को रोटेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये मेनली हिप रिप्लेसमेंट थेरेपीज में मेनली यूज़ करते हैं। अगला हमारा आएगा सैंड बैग। दीज आर सैंड फिल्ड विद सैंड प्लास्टिक बैग फिल्ड दैट कैन बी सेव्ड टू बॉडी काउंटर्स प्रोवाइड अलाइनमेंट इमोबिलाइज आर्म्स। हमारा ये बैग्स होते हैं प्लास्टिक जिनके अंदर सैंड फिल्ड होती हैं, ठीक है। ये हमारा बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए और आर्म्स को कुछ कंडीशन में इमोबिलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला आएगा साइड रेल्स। दीज आर द बार्स पोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ बेड, इट प्रिवेंट फॉल्स पोजिशन टू पेशेंट। साइड रेल्स हमारी जो मेटल बार्स होती हैं जो पेशेंट के बेड के साइड पर प्लेस होती हैं, इनको हम स्ट्रेट कर देते हैं ताकि पेशेंट स्लीपिंग टाइम में फॉल ना हो पेशेंट, और पेशेंट को पोजिशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगला आएगा वेज अबडक्टर पिलो। इट इज़ अ ट्राइंगुलर शेप्ड पिलो मेड ऑफ हैवी फोम यूज्ड फॉर लेग अबडक्शन एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा ये पिलो होता है ट्राइंगुलर शेप का, ठीक है। ये हम पेशेंट के जिनका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ होता है उनमें मेनली अप्लाई करते हैं इसको। अगला आएगा नी रेस्ट। डिवाइस प्लेस अंडर नीज टू प्रोवाइड कम्फर्ट, दिस रिलैक्सेशन रिड्यूस टेंशन ऑन टेंडन्स बिनीथ द नीज। हम देख सकते हैं पेशेंट के नीज के नीचे जो ब्लू कलर का अप्लाई, वो हम उसे नी रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नीज के नीचे अप्लाई करते हैं, इससे हमारी जो टेंडन्स होती हैं नी के नीचे उन पर प्रेशर रिड्यूस करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। अगला हमारा आएगा एयर कुशन। एयर कुशन सर सर्कुलर इन शेप मेड अप ऑफ रबर इन्फ्लेटेड बाय एयर यूज टू रिड्यूस ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ बॉडी। हमारा ये रबर का बना होता है सर्कुलर शेप में, इसके अंदर एयर फिल्ड होती है, ठीक है। ये हमारा क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से अप्लाई करते हैं उस एरिया में प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। अगला आएगा रबर एंड कॉटन रिंग्स। सर्कुलर रिंग्स मेड ऑफ रबर और कॉटन यूज टू रिड्यूस प्रेशर ऑन सच एज हील्स एंड एल्बोज। हमारी सर्कुलर रिंग्स होती हैं ये रबर और कॉटन की बनी हुई, जिनको हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अप्लाई करते हैं प्रेशर, जैसे कि हील हो गया, एल्बो हो गया, इन एरियाज में जहाँ पे प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगला आएगा हैंड रोल्स। मेड बाय फोल्डिंग अप वॉश क्लोथ्स इन हाफ रोलिंग इन लेंथ वाइज एंड सिक्योरिंग रोल विद टेप, मेंटेन फिंगर्स इन एक्सटेंडेड पोजिशन एंड थंब एबडक्टेड। हम जैसा पिक्चर में देखते हैं, हमारा ये जो वॉश क्लोथ्स होते हैं उनको हम रोल कर देते हैं, रोल करने के बाद उनको हम टेप से सेव कर देते हैं, ठीक है। उनका हम पेशेंट के आर्म्स में इनको प्लेस कर देते हैं ताकि पेशेंट की जो फिंगर्स हैं वो एक्सटेंडेड पोजिशन में हमेशा रहे, थंब एबडक्टेड रहे, ठीक है। अगला आएगा स्प्रिंट्स एंड ब्रेसेस। रिड्यूस टोन एंड पेन, स्ट्रेंथन मसल्स एंड इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। हमारे स्प्रिंट ब्रेसेस क्या होते हैं, हमारे पेशेंट की मसल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और मसल टोन इंक्रीज करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं। ये हमारी मतलब जिस जगह पे इनको अप्लाई करते हैं, जिस एरिया में इनको फिक्स कर देते हैं, उस एरिया की हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो वैसे ही फिक्स हो जाती है, वो मूवेबल नहीं होता, वो एरिया उतने पे ही फिक्स रहेगा वो, ठीक है। आज ऐसे में ही पेंट करते हैं। थैंक यू।